बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर ज़रा दूसरे लेक्चर्स से जुदा है, सिवा है, और वो है FS1। FS1 मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट लेक्चर फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच पहले दिन से ही, जब से मैंने ये चैनल बनाया है, मुस्तकिल स्टूडेंट्स जो हैं वो फरमाइश करते रहे कि सर फिगर्स ऑफ स्पीच कब करवाएंगे, कब करवाएंगे, और मैं वेट करता रहा कि पहले आपको उस लेवल तक ले आऊं जहां फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी समझ में आएगी। और थोड़ा सा होमवर्क भी मुझे करना था। इतना आसान नहीं है ये टॉपिक जितना आसान समझ के लोग पढ़ा देते हैं। मैंने इसीलिए पहले से बोर्ड भर लिया है क्योंकि आज का ये लेक्चर ज़्यादा टाइम लेता अगर मैं ये बोर्ड पहले से ना भरता। देखिए क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। बेसिकली इल्मे बयान है, या यूं कहें इल्मुल कलाम है। बड़े बड़े शायर, अदीब अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपने जौहर दिखाते हैं, और अल्फाज कुछ होते हैं, माने कुछ और बना रहे होते हैं वो। तो ये फिगर स्पीच का कमाल होता है कि वो अल्फाज को किस तरह से अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जैसे ये हैं तो 30-35, मैं फ़िलहाल तीन इस लेक्चर में तीन करवा रहा हूँ। तीन तीन करके हम हर लेक्चर में तीन तीन चार चार करके करेंगे तो ये पूरी होंगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 8-10 हों तो चलो भाई दो लेक्चर में निमट जाएंगी। ये लंबा काम है, और बहुत से लोगों को तो सिर्फ 5-6 या 8-10 ही फिगर्स ऑफ स्पीच पता होती हैं। इंशाल्लाह इस समंदर में भी गोता लगाएंगे और गहराई से जौहर नायाब ढूंढ के लाएंगे। स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, मेरा पसंदीदा टॉपिक है। सिमिली। सिमिली जिसे उर्दू में आप कहते हैं तशबीह, तशबीह शबीह से बना है। शबीह कहते हैं शक्ल को या तस्वीर को, अक्स को। सॉरी, तशबीह यानी एक चीज़ में किसी दूसरी चीज़ का अक्स देखना। जैसे आप आईने के सामने खड़े हों तो आईने में जो नज़र आता है वो आपसे मुशाबहत रखता है, आपकी तशबीह होता है। तो इसी तरह से मुझे अगर दो चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही हैं तो मैं एक को दूसरे से तशबीह दे सकता हूँ, यानी कंपेयर कर सकता हूँ द क्वालिटीज़ ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर एज और लाइक। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है एज और लाइक इंग्लिश में। जैसे अगर कोई बहादुर है तो मैं कह सकता हूँ ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, यानी वो शेर की तरह बहादुर है। ये मिसाल बड़ी कॉमन है तशबीह की तारीफ में, इसलिए मैंने पहले ये मिसाल दी है आपको। यानी शेर की तरह बहादुर, तो मैंने शेर की बहादुरी एक क्वालिटी है और उस शख्स की बहादुरी, दोनों की बहादुरी को कंपेयर किया है, हम वज़न किया है, मवाजना किया है। शी इज़ इनोसेंट लाइक एन एंजल, फरिश्ते की तरह मासूम है। तो फरिश्ते की मासूमियत और उसकी मासूमियत को मैंने कंपेयर किया है। तो मैंने यहाँ एज इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने लाइक इस्तेमाल किया। यहाँ देखिए, दिस इज़ एज वाइट एज मिल्क, ये तो दूध की तरह सफ़ेद है। तो ये तशबीह हो गई, सिमिली हो गई। स्टार्स ट्विंकल लाइक डायमंड्स, सितारे चमकते हैं हीरों की तरह। ये प्रिजनर ऑफ जेंडा में भी इस्तेमाल हुई है सिमिली, कि लिटिल पैचेस द सनलाइट कमिंग थ्रू द लिटिल पैचेस इन द ट्रीज लुकिंग जस्ट लाइक डायमंड्स। ठीक है ना, तो लाइक डायमंड्स। दूसरी चीज़ आ रही है मेटाफर,
मेटाफर को उर्दू में हम कहते हैं इस्तियारा। अच्छा, मैं तशबीह की थोड़ी सी मिसालें और दे दूँ आपको। इंग्लिश लिटरेचर में, पोइट्री में बहुत इस्तेमाल होती है सिमिली, आई थिंक डिकिंसन की, एमिली डिकिंसन की शायद पोम है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, ओ माई लव इज लाइक द मेलोडी दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून। यानी शायर अपने महबूब को कह रहा है कि वो एक सुर्ख गुलाब की मानिंद है जो जून के महीने में ताज़ा ताज़ा खिला हो। ओ माई लव इज़ लाइक द मेलोडी, कि मेरा महबूब बिल्कुल सरगम के सुरों की तरह है, दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून, जो खूबसूरती से अपनी धुन में बजाए जा रहे हैं। उर्दू अदब में भी इसकी मिसालें बहुत मिलती हैं। आसान तरीन मिसाल दूंगा आपको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। अब जिंदगी शमा की सूरत, शमा की सूरत तो शमा जो है वो तशबीह के तौर पर इस्तेमाल की गई है, जैसे शमा रोशनी फैलाती है ऐसे मेरी ज़िंदगी से भी दुनिया में रोशनी फैल जाए, ये दुआ है। तो इकबाल की, इकबाल का कलाम है, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो शमा यहाँ पर तशबीह के तौर पर इस्तेमाल की। दूसरी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं मेटाफर। मेटाफर क्या है? इस्तियारा, नाम से जाहिर है। उर्दू में अरबी से एक लफ्ज़ आया, अरबी में एक लफ्ज़ है आरियतन, आरियतन का मतलब है उधार, उधार देना, इसी से बना है मुस्तार। मुस्तार का मतलब है वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर, उधार के तौर पर लेना, मुस्तार लिया गया। जैसे मेरा ही एक कथा है, मैं सुनाता हूँ आपको, मैंने पहले भी कहा था मैं शायर भी हूँ। समन की चाह की मैंने तो मुझको खार मिले, समन की चाह की मैंने तो मुझको खार मिले, मोहब्बतों के दो साथ भी मुस्तार मिले, मोहब्बतों के दो साथ भी मुस्तार मिले। हमारा क्या है कटी उम्र खिजाओं में मगर, हमारे बाद जो आए उन्हें बहार मिले, आमीन। तो मुस्तार मिले यानी वक्ती तौर पर मिले, आर्जी तौर पर मिले, तो ये मुस्तार से बना है इस्तियारा। तो हम क्या करते हैं जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो लुगत से, डिक्शनरी से एक वर्ड वक्ती तौर पर उधार ले लेते हैं किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करने को। जैसे यानी कंपेयर करते हैं टू थिंग्स डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एज और लाइक। यानी अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो शेर की तरह बहादुर है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो शेर है, शेर, तो अब तो मैंने उसे शेर कह दिया। हालांकि शेर एक ऐसा जानवर है, इसकी चार टांगें, एक दुम है, दरिंदा सिफत जानवर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसकी चार टांगें, नहीं, मैंने बहादुरी को देखकर उसे शेर कह दिया कि वो तो शेर है, शेर का बच्चा है। तो इसका ये मतलब नहीं उसके वालिद साहब शेर थे, ये इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है। तो द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट, शुत्र, खूबसूरत उर्दू में हम कहते हैं शुत्र, इंग्लिश में कहते हैं केमल, उर्दू में कहते हैं शुत्र, और सिंधी से एक लफ्ज़ आया है ऊंट। तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, इस्तियारा है, हालांकि रेगिस्तान में जहाज कैसे चलेगा पानी का वो भी। लाइफ इज़ अ वॉयज, ज़िंदगी एक सफ़र है, वो सुना होगा आपने, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो ज़िंदगी एक सफ़र है। ऐसे ही वो एक शायर कहता है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। वो ज़िंदगी को तूफ़ान कह रहा है, ये ज़िंदगी को सफ़र कह रहा है,
है ना, वॉयज सफर को कहते हैं, राइट। ऐसे ही थॉमस कैंपियन कहता है लाइफ इज अ पिलग्रिमेज, क्वाइट पिलग्रिमेज, जिंदगी एक जियारत है। यहां लिखा ही इज द लायन, तो मींस वही है, वो शेर है भाई। मिसाल देता हूँ इंग्लिश लिटरेचर से, एक वर्स है, होप इज द थिंग विथ फेदर्स, होप इज द थिंग विथ फेदर्स दैट पर्चेस इन द सोल, उम्मीद एक परिंदा है, ऐसा परिंदा है जिसके पर है और जो बुलंद होता है रूह के अंदर से, जो बुलंद होता है रूह के अंदर से। जैसे अलेक्जेंडर पोप भी कहता है होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन इज नॉट बट टू बी ब्लेस्ड। तो वहाँ पे उसने स्प्रिंग्स एटर्नल इस तरह से कहा जैसे उम्मीद कोई पौधा है जो परवान चढ़ता है, और यहाँ कह रहे हैं होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, उम्मीद कोई परिंदा है जो बुलंद होता है अपने फड़फड़ाते हुए परों के साथ, ठीक है ना। यही बात उसने कही है अलेक्जेंडर पोप ने, होप देन विद इस विद इस विद ट्रेम्बलिंग पिनियन सोर, होप हम्बली देन विद ट्रेम्बलिंग पिनियन सोर, कि उम्मीद कपकपाते हुए परों से बुलंद होती है। तो यहाँ इस्तेआरे के तौर पर उम्मीद को एक परिंदा बताया गया, ठीक है ना। उर्दू में शेर मुझे याद आ रहा है, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र नहीं। अब यहाँ पर मोती किसको कहा है आप समझ गए होंगे, पलकों से जो मोती गिरते हैं उनको आम उर्फ़े आम में आंसू कहते हैं। अब यहाँ आंसू का नाम इस्तेमाल नहीं किया शायर ने। तीसरी चीज़ है परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन में ऑब्जेक्ट होता है जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बेजान ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें इंसानी या जानदारों वाली सलाहियत दिखाई दे, इसको हम उर्दू में कहते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तजस्सुम, यानी एक बेजान चीज़ है मगर वो मुजस्सम होने के बावजूद उसके अंदर एनिमेट कर दिया आपने उसको, उसमें जान डाल दी, उसके तासुरात बता रहे हैं वो चीज़, वो कलम बोल रहा है। अब कलम बोल रहा है तो कलम में से तो आवाज़ नहीं आती, ये है तजस्सुम की खूबी परसोनिफिकेशन। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, द सन वॉज स्माइलिंग एट अस, सूरज हम पर मुस्कुरा रहा था। यूं अगर मैं कहूँ कि खुर्शीद आबो ताब हम पर मुस्कुरा रहा था, तो आज सूरज तो नहीं मुस्कुराता, यहाँ कहने का मतलब है अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। या द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई, मूनलिट स्काई यानी चौदहवीं की रात में चांद की रोशनी में आसमान पर सितारे महवे रक्स थे, डांस्ड प्लेफुली। या यूं कहा जाए अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर, Opportunity is knocking at your door, यानी खुशनसीबी तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रही है, खुशनसीबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो भाई जाके दरवाज़ा खोलो, झट से बाहर दरवाज़ा खोलोगे सामने खुशनसीबी खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। ये इनएनिमेट बॉडी को एनिमेट करने का तरीका है, इसे personification कहते हैं। मिसाल आपने बचपन में 9th क्लास में एक नज़म पढ़ी होगी द डेफोडिल्स, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कमाल का शायर है और मंजर कशी का बादशाह है, कहता है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अच्छा क्राउड का मतलब तो हुजूम होता है ना, बहुत सारे लोग, लेकिन तसव्वुर कीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है वो,
When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Crowd of golden daffodils. तो यहाँ crowd, हुजूम, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया उसने? हालांकि daffodils तो फूल हैं, और फूल जो हैं वो किस तरह से हुजूम बना सकते हैं? तो यहाँ उसने personification यूज़ की. इसी तरह fluttering and dancing in the breeze, तो फूल तो रक्स नहीं करते, fluttering झूम रहे थे, डांसिंग महवे रक्स थे, इन द ब्रीज हवा के दोष पर. तसव्वुर कीजिए. और इसके बाद मैं मिसाल सॉरी दूंगा उर्दू के एक अजीम शायर, मेरा पसंदीदा शायर और मंजरकशी का, उर्दू में मंजरकशी का बादशाह. फूला शफक से चरख पे जब लाला जारे गुल, गुलजार शब खिजा हुई आई बहारे सुबह. फूला शफक से चरख पे जब लाला जार सुबह, गुलजार शब खिजा हुई आई बहार सुबह. करने लगा फलक जरे अंजुम निसार सुबह, करने लगा फलक जरे अंजुम निसार सुबह. सरगर्म जिक्र हक हुए ताद गुजार सुबह, था चरख अखजरी पे ये रंग आफ्ताब का, खिलता है जैसे फूल चमन में गुलाब का. अब देखिए इस एक बंद में, ये मरसिए का बंद है, और करबला की सुबह, सुबह आशूर को मीर अनीस ने किस तरह से अल्फाज में बांधा है, और तशबीह इस्तियारा और तलमी और तमसील और सब मिलेगा इस एक बंद में आपको, तजस्सुम सब कुछ मिलेगा. तो यहाँ वो कह रहा है कि गुलजार शब खिजा हुई. अब गुलजार शब किसे कह रहा है भाई? इस्तियारा है भाई. रात में जो सितारे चमक रहे थे, दे वर जस्ट लाइक फ्लावर्स ग्लिटरिंग, है ना, डांसिंग इन द स्काई. अभी लिखा था मैंने, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई. मूनलिट स्काई में डांस प्लेड, डांस्ड स्टार्स डांस्ड प्लेफुली. तो वो महवे रक्स सितारे खिजां का शिकार हुए, वो फूलों की तरह चमकते हुए सितारे खिजां का शिकार हुए. तो आई बहार सुबह, देखें क्या खूब कहा उसने. इसी तरह एक जगह उसने कहा, करने लगा फलक जरे अंजुम निसारे सुबह. अब फलक आसमान को कहते हैं, जरे अंजुम, जर कहते हैं दौलत को, और अंजुम सितारों को कहते हैं, नजुम की जमा है अंजुम, सितारे बहुत सारे सितारे. तो उनकी दौलत, आसमान के पास जो खजाना था ना सितारों का, जो हीरो की तरह चमक रहे थे, निसारे सुबह, सुबह की रोशनी पर निसार कर दिए उसने. ये देखें आप, तशबीह और इस्तियारे और तजस्सुम का इस्तेमाल, तमसील भी है इसमें. तो खैर जब आप मीर अनीस पढ़ें तो एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, मंजरकशी के लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करता है. बादशाह है मंजरकशी का. प्यासे थे नखले गुलशन जहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के. मुस्तकिल इस्तियारा है, मुस्तकिल इस्तियारा है ना. तो इसको भी समझें, और मज़ा आता है इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर को कंपेयर करते हुए पढ़ते हुए, बड़ा मज़ा आता है. बहरहाल ये मेरे ख्याल में तो फिगर्स ऑफ स्पीच ग्रामर से ज़्यादा लिटरेचर का टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ राइटिंग स्किल्स में इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ. आपकी समझ में आ गया होगा सिमिली क्या है, तशबीह है, मेटाफर क्या है, इस्तियारा है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, तजस्सुम है, और अभी और बहुत सारी हैं. मैंने कहा ना 30-35 हैं, तो ये लेक्चर, ये सीक्वल चलता रहेगा इंशाल्लाह. पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और दुआ में याद रखिएगा, शाद रहें, आबाद रहें.